तो हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। तो हमारे साथ है हमारे रोहित श्रीवास्तव और दिव्य शुक्ला। बाकी की जानकारी अब ये दोनों मिल के देंगे। तो रोहित, अभी ऑडियंस को बताएं। हेलो गाइस, हम लोगों ने स्टार्ट किया जर्नी जयस्तंभ से और 200 रुपए के पेट्रोल के साथ। अभी हम लोग थोड़ा दूर चले ही थे, यहाँ बारिश मिल गई हम लोग को। हम लोग स्वामी विवेकानंद कॉम्प्लेक्स के जस्ट सामने खड़े हैं। ये व्यू आपको दिखा देंगे अतुल, और ये जर्नी के बारे में हमको बताएंगे दिव्य, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या डिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं आज केलमनिया घाट व्यू पॉइंट, जो कि शहडोल से पड़ता है 22 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो वो प्लेस काफ़ी अच्छा, मतलब हिल्स हैं उधर पे और एक अच्छा व्यू पॉइंट मिलता है, रिजर्वायर टाइप का है। तो हम उस प्लेस को चलते हैं आज, एक्सप्लोर करते हैं एक न्यू डेस्टिनेशन शहडोल के आसपास। तो मिलते हैं गाइज, आपको दिखाते हैं, होप करते हैं कि आपको वो वीडियो पसंद आएगी और आगे हमें और भी कुछ अच्छी प्लेस डिस्कवर करने के लिए मिलती है तो वही हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो मिलते हैं गाइज आगे। गो पड़ता है गांधी स्टेडियम के पास। तो अभी हम रास्ते में जा ही रहे थे, हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है जयस्तंभ चौक से। तो हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम खड़े हुए हैं, कहाँ खड़े हैं? अंतरा माता मंदिर। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आ चुके हैं आपके सामने एक न्यू प्लेस को डिस्कवर करने के लिए, जो कि है केलमनिया घाट व्यू। और अभी हम निकले थे शहडोल से और अभी हमें अंतरा, जो कि कंकाली मंदिर है, उसके आगे। और आप यहां का व्यू देख सकते हैं आसपास का, यही रास्ता है जो जाता है केलमनिया घाट व्यू के लिए। तो हम चलते हैं केलमनिया घाट व्यू की तरफ और मिलते हैं आपको आगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिनेमैटिक वीडियो के लिए हम लोग ऊपर जाएंगे और वहां से आपको वीडियो रिकॉर्ड करके हम दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं, रोड बहुत खराब है आगे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उतरेंगे और गाड़ी से फास्ट लगाया आज, ये देखिए नंबर से हवा के कारण हो गया। और शुक्र है कि यहाँ कोई ट्रैफिक वाले नहीं हैं, तो हम लोग आगे जा सकते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हैं। तो लेट्स गो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग हैं अभी आधे रास्ते पे और यहाँ की लोकेशन बहुत ही प्यारी है, इसलिए अपन बाइक खड़ी करके यहाँ पे फोटो ले रहे हैं और वीडियोस ले रहे हैं। हेलो गाइस, फाइनली वी रीच द स्पॉट और यही वही स्पॉट है जिसके लिए केलमनिया घाटी फेमस है। और आपको बता सकता हूँ मैं, यहाँ पास एक साइड पूरा का पूरा ग्रीनरी फॉरेस्ट है, पूरा का पूरा यहाँ पर पूरी खाई दिखती है, ठीक है। और नेक्स्ट जिसके जस्ट पीछे आपको दिखेगा वो वहाँ पास पूरा का पूरा लेक है। वहाँ मतलब बस आप देख सकते हैं पूरा, जहाँ तक आप देख रहे हैं पूरा माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। हाँ, इतना बोल बता सकता हूँ मैं आपको, आगे रास्ता ख़राब है, काफ़ी ख़राब है, तो हम लोग जा नहीं रहे आगे। और यहाँ आपको यहाँ तक आने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक या डेढ़ किलोमीटर आपको खराब रास्ते का सामना करना पड़ सकता है। तो बाकी गाइस, बहुत ही अच्छा स्पॉट है, आपको जरूर आना चाहिए एक बार घूमने के लिए। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू एड वन फैक्ट ऑफ दैट प्लेस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो हिल्स आपको दिख रही हैं, ये है सतपुरा रेंजेस का एक्सटेंशन। अगर आप एमपी जियोग्राफी में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अगर देख पाएंगे, एमपी से दो रेंजेस पास होती हैं, एक है विंध्यन रेंजेस और दूसरी है सतपुरा रेंजेस। तो एमपी के ईस्टर्न पार्ट में हमारा इलाका आता है, शहडोल वाला डिस्ट्रिक्ट, और ये उसी का एक्सटेंशन है मैकाल रेंजेस। ये है सतपुरा रेंजेस का ईस्टर्न एक्सटेंशन। तो ये जितने भी आप ग्रीनरी देख पा रहे हैं और ये पूरी रेंजेस पूरी अमरकंटक तक फैली हुई हैं और यही हमारा कहलाता है मैकाल रेंजेस। इसीलिए हमारा डिस्ट्रिक्ट काफ़ी फेमस है और हमारा डिस्ट्रिक्ट जितना भी मतलब सराउंडेड है पूरा हिली एरिया है। तो अगर आप कभी भी शहडोल विजिट करने के लिए आ रहे हैं तो आप इस जगह पर जरूर आइएगा। और जैसे कि हमारे दोस्त रोहित ने इस जगह के बारे में आपको पहले ही बता चुका है
तो गाइज ये था मेरी तरफ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे रिलेटेड। तो मिलते हैं गाइज आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।